भारत ने पहली बार इंसानों को लेकर उड़ने वाला ड्रोन तैयार कर लिया है। स्वदेश निर्मित पायलट रहित ड्रोन को भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। पूरी तरह परीक्षण के बाद युद्ध में पहली बार भारतीय नौसेना युद्ध पोतों पर इस्तेमाल करेगी। इसके बाद ये इंसानों को इधर उधर ले जाने के लिए इस्तेमाल होगा। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित स्वावलंबन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इसका प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान पायलट रहित ड्रोन ने जमीन से लगभग 2 मीटर ऊपर उड़ान भरी और फिर वापस उतरने के लिए आगे बढ़ गया। स्वदेशी ड्रोन वरुण को स्टार्टअप सागर डिफेंस ने बनाया है। वहीं दूसरी तरफ इंसान को सिर्फ इसमें बैठना होगा और इसके अलावा उसे कुछ नहीं करना है। ये ड्रोन उसे खुद ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। इसे रिमोट की सहायता से संचालित किया जाएगा। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के संस्थापक और CEO निकुंज पराशर ने एक इंटरव्यू में कहा कि वरुण का इस्तेमाल शुरुआत में नौसेना में सामानों की ढुलाई में किया जाएगा। इसमें 4 ऑटो पायलट मोड हैं, कुछ रोटर के खराब होने की स्थिति में भी लगातार उड़ने की क्षमता को बरकरार रखते हैं। फिलहाल जमीन पर इसका ट्रायल हो चुका है। इसे सामान को एक जहाज से दूसरे जहाज तक ले जाने के लिए खराब पाया गया है। इसका उपयोग मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए भी किया जाएगा, लेकिन ये भविष्य की बात है। सागर डिफेंस को ये प्रोजेक्ट नौसेना की तरफ से मिला था। कंपनी से कहा गया था कि इस प्रोजेक्ट को लगभग 1.5 साल में पूरा करना है और अब ये नौसेना में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है।